हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं अपनी टॉप 10 न्यूड लिपस्टिक्स आपको दिखाने वाली हूँ, जो मैं पिछले 2-3 महीनों से काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। और न्यूड लिपस्टिक की ना ये चीज़ ध्यान रखना कि देखिए हर स्किन टोन पर ये डिफरेंट लगती है। जैसे मैंने अभी जो ये लिपस्टिक लगा रखी है तो कई लोगों पर ये थोड़ी सी और डार्क लग सकती है, कई लोगों पर थोड़ी सी और लाइट लग सकती है। तो इसलिए न्यूड लिपस्टिक लगाने के लिए ना हमेशा आप लिप लाइनर भी अपने साथ रखिए। वैसे मैंने अभी तो कोई लिप लाइनर नहीं लगा रखा है क्योंकि ये ठीक ही लग रही है बिना लिप लाइनर के भी, पर कई लिपस्टिक हमें वॉश आउट भी कर देती है, कई बहुत ही ज्यादा कभी कभार लाइट लगने लगती है। तो आप पहले लिप लाइनर यूज कर लीजिए, उसके बाद आप लिपस्टिक लगा सकते हैं। तो ब्राउन, मरून और मैजेंटा लिप लाइनर रखिए। ब्राउन और मरून जो है तो ये आपके न्यूड ब्राउन, न्यूड पिंच और न्यूड पीच के साथ ज्यादा अच्छे लगेंगे। और जैसे मजेंटा है ये आपके न्यूड पिंक के साथ काफी अच्छे लगेंगे। और लिपस्टिक डिफरेंट भी लग सकती है मेकअप के साथ एंड विदाउट मेकअप। जैसे ये लिपस्टिक मैं विदाउट मेकअप जब लगाती हूँ तो थोड़ी सी अलग लगती है, थोड़ा सा और ये लाइट लगने लगता है। मेकअप के साथ ये अच्छी लग रही है, बट बिना मेकअप के ये ना थोड़ी सी न्यूड पीच सी लगने लगती है, ज्यादा पीची लगती है। तो उस पर भी शेड अलग लग सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मुझे आपको बतानी थी। अब मैं आपको अपनी फेवरेट जो भी लिपस्टिक्स हैं उनके स्वॉचेस दिखा देती हूँ। सो द फर्स्ट लिपस्टिक इज फ्रॉम इनसाइड कॉस्मेटिक्स एंड द शेड नेम इज चेकमेट 06 एंड दिस इज देयर नॉन ट्रांसफर मैट लिपस्टिक। तो ये मैट है जैसा इसका नाम है और ट्रांसफर भी नहीं होती है। दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल न्यूड कलर, जो प्रॉपर न्यूड ब्राउन होता है ना, तो वो न्यूड शेड है ये। और ये भी हर स्किन टोन पर अच्छा लगेगा। लिप लाइनर के साथ तो ये और भी अच्छी लगेगी। जैसे आप इसके साथ ब्राउन लिप लाइनर यूज़ करेंगे या डस्की स्किन टोन के साथ तो लिप लाइनर लगा के भी ये बहुत सुंदर लगेगी। तो अच्छी लिपस्टिक है, अफोर्डेबल है, सिर्फ 200 या 250 रुपीज़ की मैंने ये अमेज़ॉन से ली थी। और लॉन्ग लास्टिंग भी है, लगाते वक्त काफ़ी सॉफ्ट लगती है और बाद में शायद थोड़ी सी ड्राई लग सकती है, बट दिस इज़ अ गुड लिपस्टिक। सो द सेकेंड लिपस्टिक इज़ फ्रॉम कीरो कॉस्मेटिक्स एंड दिस इज़ द शेड न्यूड रोज 02। और इसके ना पीची अंडरटोन्स है। मैंने इससे पहले वाली जो लिपस्टिक दिखाई थी तो उसके न्यूड ब्राउन थे, ब्राउन अंडरटोन्स थे, और सारी लिपस्टिक आपको डिफरेंट लगी, कोई भी शेड रिपीट नहीं किया है मैंने। तो इसकी जो क्वालिटी है ना बहुत ही अच्छी है। मैंने इस रेंज के सारे शेड्स के भी स्वॉचेस करे थे एक वीडियो में, तो अगर आपको वो देखने होंगे तो आप वो भी देख लेना, क्योंकि क्वालिटी ज़बरदस्त है इसकी। हाइड्रेट करती है लिप्स को, सॉफ्ट रखती है और मैट भी रहती है। प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, अराउंड 800-850 की है, पर ये आफ्टर डिस्काउंट आपको 600-650 की मिल जाएगी। तो अगर आपके लिप्स बहुत ड्राई है, आप मैट लिपस्टिक चाहते हैं लगाना, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिए, आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे, बहुत ही अच्छी लिपस्टिक है। फिर ये थर्ड लिपस्टिक है NYX लॉन्जरे पुशअप रेंज की, जो लिप क्रेयॉन आई थी, और शेड है ये सेडक्शन। तो ये भी मैंने बहुत ही ज़्यादा यूज़ करा है इस शेड को, और इसके अंडरटोन्स थोड़े से ऑरेंज है, न्यूड ऑरेंज ब्राउन भी है, ब्राउन और ऑरेंज के टोन्स इसमें ज़्यादा है। तो ये भी हर स्किन टोन पर बहुत ही सुंदर लगेगी। इसके साथ आप कुछ और भी मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि न्यूड लिपस्टिक के साथ एक ये फ़ायदा होता है ना कि आप उसमें कोई आई शेडो भी मिक्स कर सकते हैं, जैसे कोई ब्राउन कलर का या ऑरेंज कलर का, तो ऑल लिपस्टिक है ना उसका डिफरेंट शेड बन जाता है, आप कस्टमाइज कर सकते हैं। बाकी क्वालिटी वाइज ये भी अच्छी है, और थोड़ी सी शायद ये महंगी है, पर डिस्काउंट पर आपको ये सस्ती मिल जाएगी। कंफर्टेबल रहती है लिप्स पर और प्रॉपर मैट है, लॉन्ग लास्टिंग है। फिर ये फोर्थ लिपस्टिक है फैशन कलर्स की नो ट्रांसफर लिपस्टिक। शेड है ये रस्टिक ब्राउन नंबर 57, और ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है। मैंने अपनी कई सारी वीडियोस में इस लिपस्टिक के बारे में जिक्र करा है, क्योंकि ये शेड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्वालिटी इसकी अच्छी है, और ये काफ़ी अफोर्डेबल भी, आपको अराउंड 200 या 250 रुपीज़ की ये मिल जाएगी। और शेड आप देखो, ये भी बड़ा यूनिक सा कलर है, इसमें ब्राउन है, टोपिश है, जो टोपिश होता है ना ग्रे के भी टोन्स आ जाते हैं, फिर पिंक भी है इसमें, तो ये ब्राउनिश पिंक टोपिश ऐसे मिक्स सा लगता है, तो आपको ना कुछ डिफरेंट मिल जाता है। तो अगर आपको कुछ ऐसा ट्राई करना है तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो। इसके साथ लिप लाइनर भी बहुत अच्छा लगेगा, तो इसके साथ आप कोई डार्क पिंक, मैजेंटा, ब्राउन, मरून लिप लाइनर भी लगा सकते हो। इसको डार्क करना है तो कोई आई शेडो भी अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपको पसंद है तो ये शेड ज़रूर ट्राई करना, अगर आप कुछ डिफरेंट न्यूड कलर चाहते हो तो।
इसके बाद है ये शुगर की लिक्विड लिपस्टिक और ये शेड है ब्लश रश नंबर 15 और जैसा इसका नाम है ब्लश रश, तो ये ब्लश पिंक कलर लग रहा है, बहुत ही सुंदर शेड मुझे ये लगता है, इसको मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ करा है और ये ऐसा पिंक कलर है ना कि अगर मैंने कुछ ऐसा ब्राउन न्यूट्रल आई मेकअप भी करा हो, अर्दी टोन्स भी लगा रखे हो, उसके साथ भी अच्छा लगता है, पिंक के साथ भी अच्छा लगता है, तो ये शेड बड़ा ही मेरा फेवरेट कलर है। और क्वालिटी वाइज इसकी थोड़ी सी कंप्लेन आती है पर मुझे लगता है कि थोड़ी इंप्रूवमेंट हुई है, क्योंकि ये रेंज जब मैंने 2017 में ट्राई करी थी तब बहुत ही ज़्यादा लिप्स को ड्राई कर देती थी, पर ये 2021 में मैंने ये शेड लिया था तो थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट मुझे लग रही है, बेटर लग रही थी ये लिप्स पर, तो इसी वजह से इसे मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ करा है। और ये कलर इतना अच्छा लग रहा है, देखो मेरे लिप्स पे बहुत सुंदर लग रहा है, और ये भी सभी लोगों के ऊपर अच्छा लगेगा, इसको भी आप किसी दूसरी लिपस्टिक के साथ मिक्स करके लगा सकते हो, पर लिक्विड लिपस्टिक में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप वो देख लेना, शेड अच्छा लग रहा है तो ट्राई कर लेना। फिर इसके बाद है ये स्विस ब्यूटी की HD मैट लिपस्टिक जो हुडा ब्यूटी की कॉपी है, पैकेजिंग वगैरह आपको सिमिलर ही मिलेगी, और ये शेड है क्यूट न्यूड 09। इसको भी मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ करा है, ये जैसा जो नाम है इसका क्यूट न्यूड, तो ये प्रॉपर न्यूड ब्राउन कलर है और इसके अंडर टोन्स थोड़े से न्यूट्रल है कि कूल है, वार्म तो नहीं है पर न्यूट्रल या कूल अंडर टोन्स है, पर बहुत ही सुंदर ये कलर लगता है और इसका एप्लीकेशन काफ़ी स्मूथ है, ट्रांसफर प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है और प्राइस भी बहुत कम है, सिर्फ 200 रुपये की आपको ये मिलेगी आफ्टर डिस्काउंट, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करना, ये रेंज भी काफ़ी अच्छी है, शेड भी बहुत सुंदर है, ये भी हर स्किन टोन के ऊपर बहुत सुंदर लगेगा। और मेबेलिन की क्रीमी मैट लिपस्टिक के बिना ये वीडियो पूरी कैसे हो सकती है, तो उसी में से एक ये शेड है टोस्टेड ब्राउन, तो न्यूड नुआंस और एक और इनका पिंक शेड था ना स्पाइसी कुछ नाम था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, टच ऑफ स्पाइस बहुत ही पॉपुलर शेड है इनके, इसके बाद मैंने ये ट्राई करा था और ये शेड भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ये थोड़ा सा लाइट है न्यूड नुआंस से, इसमें थोड़े पीची कोरल टोन ज़्यादा है, जैसे न्यूड नुआंस जो है वो ब्राउन के टोन्स उसमें है और इसमें पीची ऑरेंज कोरल थोड़ा सा ज़्यादा है, बहुत ही सॉफ्ट है, क्वालिटी वाइज मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत लोगों ने इसको ट्राई करा है, शेड भी बहुत सुंदर है ये, तो अगर आपको कुछ ऐसा कोरल पीच में ब्राउन कलर चाहिए, न्यूड कलर चाहिए, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो और बाकी वो दोनों भी ट्राई कर सकते हो जो मैंने इसके दूसरे ऑप्शंस बताए। फिर नेक्स्ट है ये लॉरियल की कलर रिची मैट रेंज में से हिंटेड ब्लश 247 और बहुत ही लग्जूरियस पैकेजिंग है इसकी, तो उसकी पैकेजिंग मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी, मैंने इस वजह से इसे खरीदा था, पर शेड भी बहुत ही सुंदर है और काफ़ी कंफर्टेबल रहती है ये लिप्स पे, क्योंकि क्रीमी मैट लिपस्टिक है, पर आपको ना थोड़े से टचअप्स करने की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप कुछ खाते पीते हो, क्योंकि ट्रांसफ़र प्रूफ नहीं है ये, तो अगर मेरा इतना लंबा दिन नहीं होता ना, मुझे अगल बगल में ही थोड़ी देर के लिए जाना होता है तब मैं इसे लगा लेती हूँ, अगर ज़्यादा देर के लिए भी जाना तो क्या फर्क पड़ता है, फोटो वोटो क्लिक करा कर फिर मास्क ही पहनना पड़ता है, तो इतनी टचअप्स करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, पर मैं तो इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने इसे यूज करा है काफी, शेड मुझे काफी अच्छा लगता है, कंफर्टेबल है लिप्स पर और आपको ट्राई करना होगा तो आप भी कर लेना। और फिर इसके बाद है ये एक और फैशन कलर्स की लिपस्टिक और ये मेरा ना सेकंड परचेज था इसका, ये शेड है कैरेमल नंबर 79 और ये भी काफ़ी अफोर्डेबल है, आपको ये 250 अराउंड मिल जाएगी अमेज़ॉन से, ये मैंने लिया था, शेड थोड़ा सा मुझे डिफरेंस लग रहा है, मैंने जो पहले कैरेमल शेड लिया था वो थोड़ा ऑरेंजिश शाइड पे था और इसमें ना थोड़े ब्राउन के और रेड के टोन्स मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, पर ये भी बहुत सुंदर है, इसको भी मैं अब काफ़ी यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही स्मूथली अप्लाई हो जाती है, सस्ती है, लॉन्ग लास्टिंग है, सुंदर लगती है, हर आउटफिट के साथ अच्छी लगती है और मुझे लगता है कि यह हर स्किन टोन पर भी काफ़ी सुंदर लगेगी और जैसा मैंने बताया था इसको जब अप्लाई करेंगे तो ये स्मूथली अप्लाई हो जाएगी और उसके बाद फिर बहुत ही मैट और लॉन्ग लास्टिंग रहती है। फिर लास्ट है ये एक और कीरो की लिपस्टिक और ये शेड है 07 वार्म नटमेग और ये ना थोड़ी सी ब्राउन लग रही होगी पर डस्की स्किन टोन के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, इसको भी मैं काफ़ी यूज़ कर रही हूँ आजकल और विंटर्स के लिए तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन था, विंटर्स में ऑटम्स में काफ़ी सुंदर लगते हैं ऐसे शेड,
शेड्स, तो उसको मैंने बहुत यूज़ करा है। क्वालिटी वाइज भी ये काफ़ी अच्छी है क्योंकि ड्राई हो जाते हैं लिप्स विंटर्स में हमारे, तो मैं ना कीरो के लिपस्टिक भी बहुत लगा रही थी। लिप्स को ये हाइड्रेट भी कर देते हैं, ऐसा लगता है ना लिप बाम लगा रखा है। मैट भी लगती है, सुंदर भी लगती है और लिप्स भी आपके सॉफ्ट हो जाते हैं। तो अगर आपको ट्राई करना होगा ऐसा कुछ ब्राउन में आपको पसंद है तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। तो यही थी मेरी टॉप 10 फेवरेट न्यूड लिपस्टिक्स एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कौन सा शेड सबसे ज्यादा पसंद आया। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और क्या करना है इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी फॉलो कर लेना, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा और लिपस्टिक के भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे। ठीक है, चलिए अब मैं जाती हूँ, अपना ध्यान रखिए, बाय।